कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आपने अभी रिसेंट दूसरी दुनिया पर डाला गया वीडियो अगर देख लिया है, तो आज भी हम कुछ अजीब और रहस्यमय, खतरनाक, डरावनी कहानी पर ही बात करने वाले हैं। और अगर आपने मेरा अभी डाला गया रिसेंट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं हर एक स्टोरी आपके लिए लिखती हूँ। और जब आप उस स्टोरी को सुनकर मुझे फीडबैक देते हैं तो मुझे और ज्यादा स्टोरीज लिखने का मन करता है। चलो, ये सारी बातें तो होती रहेगी, पर अब मैं आपको जो भी कहने वाली हूँ उसे ध्यान से इमेजिन करके सुनिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर आपकी आत्मा का वास है, पर क्या हो अगर आपकी आत्मा के साथ किसी और आत्मा का भी प्रवेश हो जाए, तो आप वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ आज की स्टोरी में होने वाला है, जहाँ पर एक बिजनेसमैन होता है जिसके अंदर एक आदिवासी की आत्मा घुस जाती है। राइट साइड की बॉडी में आदिवासी की आत्मा होती है और लेफ्ट साइड की बॉडी में बिजनेसमैन की आत्मा होती है। जी हाँ, सही सुना आपने। और कुछ अजीब यहाँ घटित हो रहा होता है, जिस वजह से बिजनेसमैन की आत्मा और आदिवासी की आत्मा, उन दोनों के बीच लड़ाई हो रही होती है। तो फिर हम जानेंगे कि कैसे एक एक करके बिजनेसमैन के अंदर घुसी आदिवासी की आत्मा सबसे बदला लेती है, और वो ये बदला क्यों लेती है, उसके पीछे का क्या राज है। और इसी स्टोरी में हम बेमनी गांव के बारे में भी कुछ जानेंगे। तो देखते हैं कि बिजनेसमैन बेमनी गांव तक कैसे पहुंच गया। वैसे इस कहानी में हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, इसीलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला है। तो अब इस खौफनाक सफर को एक ओपन माइंडेड इमेजिनेशन के साथ शुरू करते हैं। आ गए आप घर? हाँ, अगर तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ तो शायद आ ही गया होगा। क्या अर्जुन, अच्छे से जवाब दो ना। वैसे आज मैंने आपके लिए खाने में आपके मनपसंद छोले भटूरे बनाए हैं। ओहो, मुझे तो पता ही था। इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली तुम ही तो हो, और वो है मेरी प्यारी पत्नी त्रिशा। अर्जुन, अब छोले भटूरे का नाम सुनकर तुम मेरी तारीफ करने लगे। बात तो सही है, पर इस दुनिया में तुम जैसा पति किसी को ना मिले, फालतू कहीं के। और सुनो, घर में हमारा एक बेटा भी रहता है, देव। कभी उससे भी बात कर लिया करो, हर वक्त पुलिस की ड्यूटी में रहते हो। देखो त्रिशा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब पूरे दिन पुलिस की ड्यूटी में रहता हूँ, फिर घर आकर सोचता हूँ कि मुझे अब कोई परेशान नहीं करेगा। और परसों तुम्हारा बेटा देव मुझे इतना परेशान कर रहा था, पापा मुझे मोबाइल ला दो। अब देखो त्रिशा, अभी इसकी उम्र नहीं है मोबाइल चलाने की, और अभी से इस तरीके की जिद करता है, खाना नहीं खाऊंगा, ब्ला ब्ला। तो परसों गुस्से में मैंने मार दिए दो थप्पड़, और क्या करता, तुम ही बताओ। तभी त्रिशा कहती है, सही है, अपने ही बेटे को मार कर कहते हो ना कि मैंने सही किया। कैसे इंसान हो तुम? तुमसे एक फोन ही तो मांग रहा है। हर दिन घर में तुम कितने सारे पैसे लेकर आते हो, आज भी तुम इतने सारे पैसे लेकर आए हो। तो एक फोन अगर बच्चे के लिए ले आते तो तुम्हारा क्या जाता? और तुम मुझे पहले ये बताओ अर्जुन, कि पुलिस की ड्यूटी में इतने सारे पैसे तो मिलते ही नहीं है, तो तुम रोजाना पैसों के बंडल ला कहाँ से रहे हो? तुम रिश्वत लेते हो क्या? बताओ मुझे सच सच। अर्जुन त्रिशा की बात सुनकर गुस्से में कहता है, देखो पहले से बहुत थक चुका हूँ, प्लीज मुझे परेशान मत करो। मैं कहीं से भी पैसे लेकर आऊँ, तुम पेट भर कर खाना खा रही हो ना, तो बस उस चीज का ध्यान रखो। और ज्यादा सवाल जवाब करने की ना जरूरत नहीं है मुझसे, समझे तुम? मेरे लिए खाना लगा दो, अभी आता हूँ हाथ पैर धोके। त्रिशा भी अब गुस्से में अर्जुन के लिए खाना लगा रही होती है, और अर्जुन भी हाथ पैर धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। अर्जुन खाना खाकर सोने चला जाता है, त्रिशा भी गुस्से में खाना खाकर सो जाती है। दरअसल यहाँ पर अर्जुन और त्रिशा दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ अच्छे से ही बात कर रहे होते हैं, पर रोजाना अर्जुन घर में पैसों की गड्डियाँ लेकर आता है, और इस वजह से त्रिशा अर्जुन से यही सवाल पूछती है कि तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आ रहे हो। पर जब भी त्रिशा ये बात करती तो अर्जुन गुस्से में आ जाता, और फिर उसे बुरा भला कुछ भी कह देता, और फिर वो दोनों बात नहीं करते। चार दिन बाद अर्जुन घर पर आकर त्रिशा से कहता है, सुनो त्रिशा, मेरा बैग पैक कर दो, मुझे 4-5 दिन के लिए लंदन जाना है। त्रिशा अर्जुन से यही सवाल पूछती है, लंदन क्यों जा रहे हो अचानक से? तभी अर्जुन कहता है, वहाँ एक मीटिंग है, इसीलिए मेरे जैसे हम सभी पुलिस वालों को कमिश्नर साहब ने वहाँ पर जाने का ऑर्डर दिया है।
हम सबको लंदन में एक बिजनेसमैन के साथ मीटिंग करनी है। वहाँ बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स भी आएंगे और पॉलिटिक्स से भी कुछ लोग आएंगे। और हाँ, वो बिजनेसमैन ना कोई ऐसा वैसा नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे वाला है। और बाकी सारी बातें तो अभी मुझे पता नहीं है कि आखिर मीटिंग किस बात पर है। वो सब मैं तुम्हें लंदन से वापस आकर सब बता देता हूँ। मैं अभी वापस पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपना मोबाइल फोन वहीं पर भूल गया हूँ। तुम तब तक मेरा बैग पैक कर दो, ओके? और हाँ, मेरी फ्लाइट शाम को 5 बजे की है, तो मुझे अभी 3 घंटे बाद निकलना है, इसलिए तुम जल्दी से मेरा बैग पैक कर देना, त्रिशा कहती है। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम जल्दी आना। 5 दिन बाद जब त्रिशा घर में अकेली होती है और देव स्कूल जा चुका होता है, उसी वक्त डोरबेल बजती है। त्रिशा डोरबेल सुनकर बाहर दरवाजा खोलने जाती है। जब वो दरवाजा खोलती है तब सामने अर्जुन खड़ा होता है और अर्जुन थोड़ा बेहोशी की हालत में चलता चलता रूम के अंदर आता है। त्रिशा उससे कुछ सवाल पूछती, उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। त्रिशा हड़बड़ाहट में किचन में पानी का ग्लास लेने जाती है, पर तभी जैसे ही वो हॉल में वापस आती है तो अर्जुन वहाँ पर नहीं होता और अचानक से पूरे घर में लाइट्स ऑन ऑफ होना स्टार्ट हो जाती है और त्रिशा को किसी के वॉमिटिंग करने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर त्रिशा उस आवाज के पीछे जाती है, तब उसे पता चलता है कि बाथरूम में अर्जुन को वॉमिटिंग हो रही थी और ये सोचकर त्रिशा थोड़ा परेशान हो जाती है। वो 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद बाथरूम का दरवाजा नॉक करती है और पूछती है, अर्जुन तुम ठीक तो हो ना, दरवाजा खोलो। क्योंकि अब बाथरूम में से कोई आवाज नहीं आ रही थी, त्रिशा फिर कहती है, दरवाजा खोलो अर्जुन। वो जोर जोर से बाहर से दरवाजा बजा रही होती है पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। त्रिशा बाहर किसी पड़ोसी को बुलाने जाती है लेकिन उससे पहले ही बाथरूम का दरवाजा खुल जाता है और जब त्रिशा बाथरूम के अंदर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। 10 मिनट तक त्रिशा उस भयानक नजारे को देखकर वहीं अपनी सुध बुध खोई हुई खड़ी रहती है। फिर जब वो थोड़ा होश में आती है तब अर्जुन की डेड बॉडी के पास जाती है और उसे देखकर अब वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी, क्योंकि वहां पर अर्जुन की बॉडी के साथ साथ बहुत सारा खून था और अर्जुन की आंखें बाहर आ चुकी होती है, उसके मुंह से भी उसके सारे ऑर्गन्स बाहर निकले हुए होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा गंदा था और त्रिशा पागलपन में अर्जुन के खून को हाथों में लेकर अपने आप को पागलों की तरह मार रही होती है। कुछ 5 से 6 घंटे बाद घर का दरवाजा खुला होने पर पड़ोसी वाले भी वहां पर आ जाते हैं। तभी उन्हें ये पता चलता है कि त्रिशा बाथरूम में अर्जुन की डेड बॉडी के पास बेहोश पड़ी थी और अर्जुन की डेड बॉडी बहुत ही ज्यादा गंदी हालत में पड़ी थी। ये सब देखकर त्रिशा को तो पड़ोसी वाले होश में लेकर आने की कोशिश करते हैं और पुलिस स्टेशन में कॉल करके अर्जुन की डेड बॉडी को देखने के लिए पुलिस वाले घर पर पहुंच जाते हैं। पुलिस के जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें ये बात पता चलती है कि अर्जुन की डेड बॉडी के आसपास किसी अजीब से पक्षी के पंख है और किसी पक्षी का शरीर भी उसके बाथरूम में पड़ा मिला और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वॉमिटिंग के दौरान अर्जुन की बॉडी के अंदर से वो पक्षी और ऑर्गन दोनों एक साथ बाहर निकले हो। थोड़ी देर बाद त्रिशा को होश आता है। ये देखकर पुलिस वाले त्रिशा से ये सब होने के सवाल पूछते हैं क्योंकि ये मौत बहुत ही रहस्यमय थी और त्रिशा वो सब कुछ पुलिस को बताने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही अर्जुन के मर जाने के सदमे से त्रिशा खुद भी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है और अर्जुन के साथ ही वो भी एक रहस्यमय मौत मर जाती है। सबको पहले ये लगा था कि त्रिशा अर्जुन के मौत के सदमे से मरी है, पर जब पोस्टमार्टम किया गया तब त्रिशा की मौत भी बहुत अजीब तरीके से हुई थी। चलिए तो अब मैं आपको ले चलती हूँ कुछ 4 महीने पहले। बिजनेसमैन एडम एक बहुत ही रईस और इज्जतदार बिजनेसमैन जो बड़ी बड़ी चीजों से डील करता है
जिसकी रेपुटेशन हर जगह बहुत हाई है। एडम अंदर से भी दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है और बाहर से उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल रफ एंड टफ वाली है। वो अपनी फैमिली से भी बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और स्पेशली अपने फादर से। पहले एडम बेमनी गांव में ही रहता था। लगभग पैदा होने के 4 साल तक वो बेमनी गांव में ही रुका था। उसके बाद उसके फादर लंदन में अपना बिजनेस संभालने लगे, जिस वजह से वो एडम को भी लंदन लेकर आ गए। तब से ही एडम की सारी परवरिश लंदन में हुई और लंदन में ही वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बन जाता है। एडम एक दिन अपनी यादों को ताजा करने के लिए कुछ 1 महीने पहले ही बेमनी गांव जाता है, जहां पर उसका जन्म हुआ था। एडम खुशी खुशी फ्लाइट से इंडिया पहुंच जाता है और फिर इंडिया में पहुंचकर वो और भी बहुत सारे लोगों के घर जाता है जो उसके ही बिजनेस के पार्टनर्स हैं, और फिर सबसे मिलकर वो बेमनी गांव की ओर आगे बढ़ता है। बेमनी गांव पहुंचकर एडम एक सुकून भरी सांस लेता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था और उसके लिए बेमनी गांव फिर से एक नया सवेरा था, या यूं कहे तो रीबर्थ। पर वहां पर कुछ 1 महीने तक जब एडम रहा, तो उसे कुछ अलग ही महसूस होने लगा। दरअसल जब वो इंडिया जाने वाला था, तभी एडम को बेमनी गांव से रिलेटेड अजीब अजीब सपने आने शुरू हो गए थे, और ये सपने तो तब आया करते थे जब एडम लंदन में ही था और सिर्फ इंडिया जाने के बारे में सोच रहा था। पर वहाँ पर पहुँचने के बाद अब एडम को कुछ अजीब चीजें भी वहाँ पता चल रही थी, और वो चीजें ये थी कि जब एडम 1 महीने तक बेमनी गांव में रुका, तब उस पर किसी प्रेत का साया पड़ गया था, लेकिन उसको ये बात नहीं पता थी। एडम एक्चुअल में दिन में अलग रहता था और रात में बिल्कुल अलग हो जाता था। जी हाँ, जब वो एक अजीब पर्सनालिटी में आता था, जो कि एक प्रेत की पर्सनालिटी थी, जिसमें वो एडम नहीं था, तब वो कुछ तंत्र मंत्र से जुड़ी तांत्रिक क्रिया करता था, और वो तांत्रिक की क्रिया कुछ लोगों को मारने के लिए किया करता था, और ये सब कुछ एडम बेमनी गांव में करता था, जब वो 1 महीने के लिए वहां रहने गया था। और दरअसल जो प्रेत एडम के अंदर था और जो रात में ही उसके अंदर एक्टिव हुआ करता था, एक्चुअल में वो एक तांत्रिक था, और रात के समय वो अपनी तांत्रिक क्रिया उन पर कर रहा था जिनकी वजह से वो मारा गया था। जब वो एडम बनता था तो वो एक बिजनेसमैन होता था, और ये सारी स्टोरी लंदन बेस होती है। जब वो इंडिया आता है, तब वो पजल्ड हो जाता है। लाइक इंडिया में जब वो बेमनी गांव में आया था, तब से ही एडम पजल्ड हो गया था और वो प्रेत आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर चुकी थी, क्योंकि एडम का जन्म बेमनी गांव में हुआ था। 1 महीने बाद जब एडम दोबारा से लंदन चला जाता है, तब उसे अजीब अजीब से रात को डरावने विजन्स आने लगते हैं, और वो सारे विजन बेमनी गांव से रिलेटेड होते हैं। तब उसे ये पता चलता है कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। वो ये सब कुछ जो भी उसके साथ हो रहा था, वो उसे नोटिस करता है, और ऑब्जर्व करने के बाद उसे ये पता चलता है कि ये सारी चीजें उसके साथ इंडिया जाने के बाद से ही हो रही है। अब कुछ 2 महीने पहले ही एडम फिर से इंडिया जाता है, ताकि वो ये रिसर्च कर सके कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। पर इंडिया पहुंचने के बाद एडम बेमनी गांव नहीं जा पाता, क्योंकि एडम के फादर ने लंदन में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग रखवाई थी। वैसे एडम के फादर का नाम मिस्टर विलियम था, और कुछ काम के सिलसिले में एडम के फादर 10 दिनों के लिए यूरोप चले गए थे, और उस मीटिंग में एडम का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि एडम के फादर वो मीटिंग नहीं करवा सकते थे। इसीलिए उस मीटिंग में मिस्टर विलियम की जगह एडम खुद था, जहां पर सभी पुलिस वाले, पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट ऑफिसर, सब लोग वहां पर आने वाले थे। इस वजह से इंडिया पहुंचने के 4-5 घंटे बाद ही एडम दोबारा लंदन चला गया और वो बेमनी गांव जा ही नहीं पाया। अब जब एडम दूसरी बार फिर से जब लंदन पहुंच जाता है, उससे पहले ही एडम के फादर यूरोप जा चुके होते हैं, और एडम अपनी लंदन में जो मीटिंग होती है उसे कंप्लीट कर लेता है। अब इसके कुछ दिनों बाद एक दिन एडम बाथरूम में आकर जोर जोर से चिल्ला रहा था।
और एडम चिल्लाते हुए डरा हुआ बस एक ही बात कह रहा था, मेरा चेहरा क्यों नहीं दिख रहा, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी एडम की बातें सुनकर आसपास के नौकर सब लोग उसके पास आ जाते हैं और एडम से सवाल पूछते हैं, क्या हुआ साहब, अब ठीक तो है ना। तभी एक रामू नाम का नौकर एडम से कहता है, आप इस सोफे पर बैठ जाओ साहब, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। एडम डर के मारे परेशान होकर पूरा पसीने से लथपथ हो जाता है। थोड़ी देर बाद एडम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो बेहोश हो जाता है। फिर जब एडम को होश आता है तो वो कहता है कि मिरर में उसे उसका चेहरा दिख ही नहीं रहा था और उसका चेहरा धीरे धीरे दिखना बंद हो रहा था। पर सब लोग एडम को समझा कर उसे ये कहते हैं कि शायद उसकी तबीयत सही नहीं है, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा होगा, और कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। थोड़े दिनों बाद एडम को अब सारी चीजें कुछ स्तर तक समझ आना शुरू हो जाती है और अब एडम ये ठान लेता है कि जहाँ से इन सब चीजों की शुरुआत हुई है, इन सब का अंत करने का समय भी अब आ चुका है। दरअसल ये सब सोचने वाला तो एडम ही था, पर उसके साथ साथ एक प्रेत भी रह रहा था जो भी ये सारी चीजें सोच रहा था। फिर वापस एडम मीटिंग को पूरा करके इंडिया जाता है और इंडिया में वो दोबारा बेमनी गांव जाता है। जैसे ही वो बेमनी गांव में पहुंचता है, एडम ड्यूअल पर्सनालिटी में आना शुरू हो जाता है। यानी अब एडम को अपने अंदर रहा प्रेत भी दिख रहा था और अब वो ये महसूस भी कर पा रहा था कि उसके अंदर एक प्रेत का साया है। वहाँ पहुँचने पर एडम फिर से उस प्रेत से पजेस्ड रहने लगा। रात को एडम तंत्र विद्या करना शुरू कर देता और जब भी वो तंत्र विद्या करता तब जो कुछ भी होता है वो एडम कंट्रोल नहीं कर पाता। अब गांव पहुँचने के बाद से ही एडम सबको मारना शुरू करने लगता है। यानी वो प्रेत कुछ 7 लोगों के पीछे पड़ा होता है जो कि लैंड माफियाज होते हैं। दरअसल ये बात कुछ 6 महीने पहले की है। चलिए तो अब मैं इस प्रेत आत्मा के पीछे की जो हिस्ट्री है वो आपको बताती हूँ। दरअसल बेमनी गांव में जंगल में रहने वाले आदिवासियों को छल करके मार दिया जाता है, जिनमें एक आदिवासी जिसका नाम अलाम्बी था, वो आदिवासियों का लीडर होता है। वो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान था और सबकी देखभाल करता। अगर कोई भी बीमार पड़ जाता तो तुरंत उस पर प्रकृति से बनाई हुई जड़ी बूटियों से उसका इलाज करता। जंगल में हर एक आदिवासी को खुश करने का काम अलाम्बी का ही था और सब आदिवासी भी अलाम्बी के होने से बहुत खुश रहा करते थे। गांव में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे अलाम्बी भी और भी प्रकृति के सौंदर्य को अच्छा करने के लिए नए नए पेड़ों को उगा रहा था। वो लोग अपना जीवन बहुत ही अच्छे से जी रहे थे, पर कुछ अजीब उनके साथ घटित होने लगा। यानी कुछ 6 महीने पहले जब आदिवासी शांति से रह रहे थे, जंगल में ही शिकार करना, जानवरों के साथ रहना, वही सब उनका जीवन था। पर एक आदमी जो पुलिस ऑफिसर था, वो बेमनी गांव में जंगल में आकर रात को अपनी पत्नी के साथ एक पक्षी का शिकार करके, जो अलाम्बी का भी बहुत ही अच्छा दोस्त था और अलाम्बी भी हमेशा ही उस पक्षी से ही बहुत सारी बातें किया करता था और दिखने में भी वो पक्षी बहुत ही अलग था, सभी पक्षियों से अलग। लेकिन उस पुलिस ऑफिसर ने उस जंगल में उस पक्षी का शिकार किया और उसे मार कर खा लिया, वो भी अपनी पत्नी के साथ। उस पुलिस ऑफिसर की पत्नी ने उसे बहुत मना भी किया था कि हमें जानवर को नहीं मारना चाहिए, पर रात में किसी को भी पता नहीं चलेगा, इस वजह से उन लोगों ने इतना घटिया काम करके उस पक्षी को मार दिया और उसे खा गए। ये बात अलाम्बी के दिल को चुभ गई थी। वो 4 से 5 दिन तक उसी सदमे में जी रहा था कि जिस पक्षी से वो इतना ज्यादा प्यार किया करता था, उस पक्षी का नाम भी उसने मलकाई रखा था, अब वो जिंदा ही नहीं है और इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। फिर उसी की यादों में अलाम्बी भी फिर से अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने लगा। लेकिन कुछ 20 दिन बाद ही जंगल को उजाड़ने के लिए 6 लैंड माफियाज वहां पर आ गए और वो लोग आदिवासियों को बार बार डराया करते
और बहुत ही ज्यादा धमकी भरे ब्लैकमेल करने वाले लेटर्स उन्हें भेजते, जिस वजह से आदिवासी अलाम्बी भी उन सब को ओपोज कर रहा था। वो ये कह रहा था कि हमारे जंगल को आप लोग नहीं उजाड़ सकते। दरअसल वो 6 माफिया आदिवासी के जंगल को उजाड़ कर वहाँ पर एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट बनाना चाहते थे, और ये बात किसी के भी गले तक नहीं उतर रही थी, क्योंकि आदिवासियों ने अपना सारा जीवन इसी जंगल में बिताया था, जहाँ पर उनके पशु पक्षी जानवर रहते हैं, और हर रोज उन्होंने बचपन से पेड़ों को पानी देकर उनके साथ रहकर उन्हें बड़ा किया है, और उनका जीवन जंगलों में रहने वाला ही है, तो आखिर आदिवासी लैंड माफियाओं की बात कैसे मान जाते। आप जरा अपने आप को इस जगह पर महसूस कीजिए कि आप किसी जगह पर रह रहे हैं, पर वहाँ पर कुछ बुरे लोग आकर आपसे ये कह दे कि इस जगह से अब आपको हमेशा के लिए जाना होगा, क्योंकि उस जगह पर उनको अपना राज करना है, तो क्या आप भी शांति से वहाँ से चले जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं ना। पर हाँ, अगर आपको कहानी में मजा आ रहा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और ये भी बताना कि आपको कौन से टॉपिक्स पर कहानी सुनना पसंद है, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं इस चैनल पर सुनाती रहती हूँ, और हाँ, इंस्टा आईडी भी मेरी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, फॉलो कर लेना, और अपनी स्टोरीज भी अगर आप मुझे सेंड करना चाहें तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे सुनते हैं। उन 6 लैंड माफियाओं ने आदिवासियों को बहुत सी चेतावनी दी, पर फिर भी सब लोग इन सारी चीजों का ओपोज ही कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। फिर उन लोगों ने आदिवासी को कुछ रिश्वत देने की भी कोशिश की, ताकि रिश्वत से वो लोग इस जंगल को छोड़कर चले जाए, पर फिर भी सभी आदिवासी एकजुट होकर रहने लगे, और यहाँ तक कि अब वो सारे साथ मिलकर ये भी कहने लगे कि अगर इस जंगल में तुम लोगों ने अपना कदम भी रखा तो हम सब लोग मिलकर तुम सारे लैंड माफियाज को मार देंगे। यही चीजें कुछ 1 महीने तक चलती रही, और अब उन 6 लैंड माफियाज को ये बात समझ आ गई थी कि ये आदिवासी इस जंगल को नहीं छोड़ेंगे, और जंगल पर उनको रिजॉर्ट बनाना ही था। इसीलिए उन लोगों ने रात में जंगल में आकर उन लोगों के कुएं में जहर डाल दिया, और सुबह होने तक का वेट करने लगे कि कब जंगल के सारे आदिवासी कुएं से पानी पी ले, और कब एक एक करके सबकी मौतें होना शुरू हो जाए। ये इतनी बड़ी साजिश को रचकर वो लोग इस मौत के मातम का तमाशा देखना चाहते थे, और जैसा कि वो लैंड माफिया चाहते थे वैसा ही हुआ। जिस कुएं से आदिवासी बेचारे पानी पीते थे, उसी कुएं से सुबह उठकर सभी आदिवासियों ने पानी पिया, और जिस वजह से सारे जंगल के आदिवासियों की एक एक करके मौत होना शुरू हो गई, और उसी की वजह से आलम्बी की भी मौत हो गई, और आलम्बी अब उन सारी चीजों का बदला लेने के लिए प्रेत बनकर वापस आया है, और जब तक अब आलम्बी का बदला पूरा नहीं होगा तब तक वो उस बिजनेसमैन एडम का शरीर नहीं छोड़ेगा। दरअसल आदिवासी का प्रेत एडम को बेमनी गांव में आया देखकर उसके अंदर प्रवेश करने का ठान लेता है, क्योंकि आदिवासी आलम्बी ये जान चुका था कि एडम भी एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, और वो एडम की मदद से उन बड़े पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स और उन लैंड माफियाज तक आसानी से पहुंच पाएगा, और यही सब सोचकर वो प्रेत आलम्बी की आत्मा बिजनेसमैन एडम के अंदर प्रवेश कर गई। तो अब हम देखेंगे कि बिजनेसमैन एडम कैसे धीरे धीरे करके एक एक लैंड माफियाज को मारता जाएगा, और इस बार आदिवासी उन सब की मौतें उनके कर्मों के हिसाब से कर रहा है। जैसा कि अगर मैं आपको कहूं कि वो पुलिस ऑफिसर जिसने जंगल में आकर आदिवासी आलम्बी के पक्षी को मारा था, उसकी मौत आदिवासी ने रात को तंत्र विद्या करके उस पुलिस ऑफिसर का बाल कलेक्ट किया और एक भयानक सी डॉल बनाई, फिर तांत्रिक विद्या की, और उसने तांत्रिक विद्या की मदद से डॉल के अंदर भरी उन चीजों को डॉल के मुंह से बाहर निकाला, ताकि जिस पुलिस ऑफिसर ने उस पक्षी को मारा था उसके मुंह से भी कुछ इसी तरीके से उसके अंदर रही सारी चीजें यानी उसके ऑर्गन्स बाहर आ जाए। अब शायद आप लोग ये समझ गए होंगे
कि मैं कौन से पुलिस ऑफिसर की बात कर रही हूँ। और अगर अभी तक आप नहीं समझे हैं, तो मैं बता देती हूँ कि वो पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि अर्जुन है। उसने ही जंगल में जाकर कुछ महीने पहले एक पक्षी को मारा था और अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसे खा लिया था। उसकी पत्नी को भी एक रहस्यमय मौत मिली थी, पर वो उस पक्षी को मारने के लिए मना कर रही थी, जिस वजह से त्रिशा के साथ भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। और मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूं कि जब अर्जुन मीटिंग के लिए लंदन गया था, उस वक्त ही एडम जब 4-5 घंटे के लिए इंडिया में जाकर वापस लंदन आ गया था, तब उस वक्त ही एडम की किलिंग स्टार्ट हो गई थी और उसने सबसे पहला शिकार अर्जुन को ही बनाया था। और ये बात मीटिंग होने के कुछ 10 घंटे पहले ही एडम के अंदर रह रहे प्रेत को पता चल गई थी कि अर्जुन भी मीटिंग में आने वाला है। इसीलिए मीटिंग में अर्जुन को देखकर एडम ने मीटिंग के दौरान ही उसके बाल कलेक्ट किए, रात को तंत्र विद्या की, और उसी वजह से जब अर्जुन घर पहुंचा, तब उसके साथ वही हुआ जो एडम के अंदर रह रहे प्रेत आलम्बी ने सोचा था। अब हम ये जानेंगे कि 6 लैंड माफियाज कौन हैं और उनकी मौतें कैसे होती है। पर हाँ, इस बार सारी मौतें उनके कर्मों के हिसाब से ही हो रही है। तो अभी तक हमने सुना कि आखिर आदिवासी के प्रेत के पीछे की कहानी क्या थी, और अब हम ये जानेंगे कि कैसे एडम के शरीर में रह रहा वो प्रेत उन सारे लोगों तक पहुंचता है। तो अब कुछ 5 दिन बाद आलम्बी रात को फिर से तांत्रिक विद्या करने वाला था, पर इस बार एडम आलम्बी को ये सब करने से रोक रहा था कि ये सब करना सही नहीं है। पर फिर भी आलम्बी की आत्मा रोज रात को फिर से एक नया बाल कलेक्ट करके एक डॉल बनाकर उस पर तंत्र विद्या करना शुरू कर देता है। और इस बार डॉल के दिल के ऊपर वो निडल चुबाने लगता है, और वो निडल वो तब तक चुबाता है जब तक डॉल के अंदर रहा दिल फट ना जाए। और जैसे ही अंदर डॉल में रहा वो दिल फट जाता है, वैसे ही एक लैंड माफिया की मौत हो जाती है। दरअसल ये लैंड माफिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड है, जिसे बाहर हो रही वो सारी बातें पता थी, और आदिवासियों ने इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर से मदद भी मांगी थी कि कुछ अजीब लोग हमारे जंगल को उजाड़ना चाहते हैं, तो प्लीज आप हम सब लोगों को बचा लीजिए। पर फिर भी उसने कुछ नहीं किया और ये सारी बातें अपने दिल में दबा कर रख ली, और उसी का बदला लेते हुए आदिवासी आलम्बी ने उसके दिल को फाड़ दिया। 2 दिन बाद आलम्बी भी अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आने लग गया था, क्योंकि उसे 5 और लैंड माफियाज को ढूंढना था, पर उनमें से उसे कोई भी नहीं मिल रहा था। फिर तभी आसपास के लोगों को फंसा कर वो आदिवासी का प्रेत अपने एक और शिकार की तरफ पहुंचा, और उसने इस बार एक CID ऑफिसर की डॉल बनाई और उसने उस डॉल के मुंह से जहर निकलवाया, क्योंकि कुएं में जहर मिलाने का आइडिया उसी CID ऑफिसर का था। फिर आलम्बी ने अपना अगला शिकार ढूंढा, वो एक पुलिस ऑफिसर था, फिर से उसके मुंह में से भी उसने ऑर्गन्स गिरवाए, जैसा कि अर्जुन के साथ हुआ था। पर अर्जुन लैंड माफिया के साथ नहीं मिला हुआ था, और ये पुलिस ऑफिसर जिसका नाम अक्षय था, लैंड माफिया के साथ मिलकर उसने रिश्वत ली थी, इसी वजह से उसके मुंह से भी ऑर्गन्स बाहर निकलवा दिए थे। फिर अपने अगले शिकार की ओर आगे बढ़ते हुए उसने एक डॉल बनाकर उस डॉल की आंखों को नोच नोच कर फोड़ दिया, ताकि एक और लैंड माफिया की वैसे ही मौत हो, जिसने सब कुछ देखते हुए भी सारे तमाशे का मजा लिया। और वो एक पॉलिटिक्स का आदमी था, जो अपने पॉलिटिक्स का थक्का जमाते हुए इन सबको देखते हुए इन चीजों का मजा ले रहा था, इसीलिए उसकी आंखों को आलम्बी ने डॉल के जरिए फोड़ दिया। फिर उस आदिवासी प्रेत आलम्बी ने अपना अगला शिकार किया, और उसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ते हुए उसने एक गवर्नमेंट ऑफिसर का भी शिकार किया, और इस बार उसकी मौत उसकी बॉडी के सड़ने से हुई, क्योंकि उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सारी फाइल्स दबा दी थी। मेरा मतलब है कि उन सबको स्टोर किया था, इस वजह से उसकी बॉडी को सड़ा कर उसकी मौत कर दी। अब आलम्बी एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ, सुकून के साथ अपने आखिरी शिकार की ओर आगे बढ़ रहा था,
पर इस बार आलम्बी को अपना आखिरी शिकार मिल ही नहीं रहा था। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था और अब किसी को ये बात पता चल गई कि एडम रात को अजीब चीजें करता है और उसकी दो दो पर्सनालिटीज है। लोग अब एडम को पागल समझ रहे थे कि या तो एडम किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। पर जब एडम को एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया गया, दरअसल उनके गांव में ही एक साइकेट्रिस्ट शहर से बस ऐसे ही बेमनी गांव घूमने आया था और तभी एडम को भी उस साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया गया। और एडम को वहां ले जाने के लिए गांव के सरपंच ने ही कहा था। उसके बाद ये सारी बातें पता चली कि एडम पागल नहीं है, उसके ऊपर किसी प्रेत का साया है और एडम को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने वाले एक दादाजी थे जो एडम से बहुत ही प्यार किया करते थे। बचपन में एडम उनके साथ ही रहता था। मेरा मतलब है, 4 साल तक जब एडम बेमनी गांव में था तब वो उन दादाजी के पास रहता था, पर 4 साल के बाद एडम लंदन में रहने लगा। पर कई बार लंदन से एडम बेमनी गांव में उन दादाजी से मिलने आया करता था और वैसे ही इस बार भी आया था। पर इस बार उन दादाजी ने एडम के ऊपर कुछ अलग साया देखा और दादाजी को भूत प्रेतों के बारे में बहुत ही ज्यादा पता चलता था और वो आदिवासी की वो सारी बातें जानते थे। जब एक दिन एडम को इस तरीके से उन्होंने देखा तो उन्होंने एडम से इस बारे में सवाल पूछा, पर तब एडम नॉर्मल था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बाद जब उन दादाजी ने एडम से वो कहानी बताई जो कुछ महीने पहले आदिवासियों के साथ हुई थी, तब उस वक्त ऑलरेडी एडम उस आदिवासी की आत्मा से पजेस्ड था और दादाजी की बातें सुनकर वो बार बार ट्रिगर हो रहा था। और जैसे जैसे दादाजी कहानी सुनाते वैसे वैसे एडम की आंखों का रंग बदलने लगता और ये सारी बातें धीरे धीरे करके अब दादाजी को पता चलने लगी कि एडम किसी बुरी आत्मा की चंगुल में फंस चुका है, जिस वजह से वो कोशिश करते थे कि एडम मंदिर चले, पर वो प्रेत एडम से कोई ना कोई बहाना बनवा कर मंदिर चलने से छुटकारा दिलवाने की कोशिश ही करता था। और इन सारी चीजों से दादाजी को पूरा भरोसा हो गया था कि एडम के ऊपर किसी काली शक्ति का वास है। ये बात अब धीरे धीरे गांव में फैलने लगी क्योंकि अब एडम का पजेस होना नॉर्मल हो चुका था और अब वो लोगों के सामने भी डुअल पर्सनालिटी में रहना शुरू हो गया था। थोड़े दिनों बाद अब आदिवासी आलम्बी भी बहुत ही खतरनाक हो चुका था। अब वो चिल्लाने लगा था कि आखिर मेरा आखिरी शिकार कहाँ है। वो बेमनी गांव से गायब हो चुका था। बेमनी गांव में सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे कि आखिर आलम्बी भी कहाँ गया। पूरे गांव की छानबीन करने के बाद ये पता चला कि आलम्बी अब इस गांव में है ही नहीं और आलम्बी के गुस्से के प्रकोप में वो अब दूसरे गांव वालों को भी मारे जा रहा है। अब आलम्बी भी अपना बदला पूरा करने के लिए जो भी कोई उसके सामने आता था उन सबको एक एक करके मार रहा था और अब वो इस तरह से तड़प रहा था कि अब मैं जिसे भी मारूं वो मेरा आखिरी शिकार होना चाहिए। पर फिर भी उसे 8 से 9 दिन तक भी अपना शिकार नहीं मिला। फिर कुछ पुजारियों ने सुबह के 5 बजे रेलवे स्टेशन के पास एडम को बेहोश पड़ा हुआ देखा, जिस वजह से वो उसे सुबह 5 बजे उठाकर मंदिर लेकर आ गए। मंदिर में इस बार एडम प्रवेश कर चुका था क्योंकि आलम्बी की आत्मा अब एडम के शरीर से बाहर आ चुकी थी। अंदर मंदिर में एक बहुत ही बड़े पंडित थे। उन्होंने जब एडम को देखा तब उन्हें ये सब कुछ समझ आने लगा कि वो आदिवासी इस एडम के ऊपर चढ़ा हुआ है। इस वजह से उन्होंने पूजा पाठ किया और एडम के ऊपर झाड़ देकर उसके ऊपर से उस आदिवासी की आत्मा को हटाया। होश में आने के बाद एडम थोड़ा नॉर्मल महसूस करने लगा और ऐसा ही लग रहा था कि एडम के शरीर को अब पूरी तरीके से आदिवासी आलम्बी की आत्मा छोड़ चुकी है। कुछ दिनों बाद अब एडम पूरे होश में आ चुका था और लगभग 5 से 6 दिनों तक अब वो उस आदिवासी की प्रेत आत्मा से पजेस भी नहीं हो रहा था। 5 से 6 दिन तक एडम मंदिर में ही बैठा था, वो भी उन पुजारी के साथ, और उन्हें सब कुछ बता रहा था। फिर वापस उस जगह से पुजारी के साथ रहने के बाद एडम लंदन जाने के लिए निकल गया। लंदन पहुंचने के बाद उसे ये पता चला कि उसके फादर 2 दिन के लिए फिर से यूरोप गए हैं।
किसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और अब एडम को रात को भी डरावने सपने नहीं आ रहे थे और अब उसे सब कुछ सही ही लग रहा था। दो दिन बाद जब एडम के पिता घर पर आए और जैसे ही एडम ने अपने पिता को देखा तो आलमबी को भी ये बात समझ में आ गई थी कि उसका आखिरी शिकार एडम के फादर ही है। दरअसल आलमबी की आत्मा ने एडम के शरीर को नहीं छोड़ा था और इस बार एडम और आलमबी के बीच में लड़ाई होना शुरू हो गई, क्योंकि अब राइट साइड में आलमबी था और लेफ्ट साइड में एडम था। एडम बार बार मना कर रहा था कि देखो ये मेरे फादर है, मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरे फादर को माफ कर दो, कुछ भी ऐसा मत करना जिससे मेरे पापा की जान चली जाए, क्योंकि इस बार सवाल एडम के फादर के ऊपर था। और एडम को भी ये बात बहुत बुरी लग रही थी कि आखिर उसके पापा ने ही ये सब कुछ करवाया था और जितने भी आदिवासी हैं जिनकी मौत हुई है उसके जिम्मेदार उसके पापा थे। उसके पापा भी उन लैंड माफियाज के साथ जुड़े हुए थे। पर आलमबी भी एडम की बातें ना सुनकर और मिस्टर विलियम को देखकर और भी ज्यादा खौफनाक वेश में आ गया, यानी एडम का शरीर अब पूरा आलमबी का शरीर बन चुका था और अब वो बहुत ही खतरनाक रूह वाली आत्मा में था, क्योंकि आखिरी शिकारी एडम के फादर थे और ये बात आलमबी को भी नहीं पता थी। पर कैसे भी करके आलमबी अपने आखिरी शिकार तक पहुंच ही गया और अब वो तांत्रिक क्रिया फिर से करने वाला था। पर उससे पहले ही एडम के फादर मिस्टर विलियम ने आलमबी की झलक अपने बेटे एडम के ऊपर देख ली थी, जिस वजह से वो ये समझ गए थे कि वो आदिवासी प्रेत मुझसे बदला लेने आया है। क्योंकि जैसे एक एक करके गवर्नमेंट ऑफिसर की मौत हुई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर की मौत हुई और 5 लैंड माफिया एक एक करके मर गए, तो इसी संकेत से मिस्टर विलियम को ये बात पता चल गई थी कि वो आदिवासी अब उसकी ओर ही आ रहा है। और कहीं न कहीं विलियम को ये भी पता चल गया था कि उसके बेटे के ऊपर एडम के ऊपर उस आदिवासी का प्रेत है, क्योंकि एडम कई बार बेमनी गांव में जाता है पर फिर भी हिम्मत करके वो वापस लंदन आए। तब मिस्टर विलियम ने जैसे ही एडम को देखा तो अपने आप को एडम के सामने ही पुलिस वालों को कॉल करके खुद को सरेंडर कर दिया कि मैं ही वो लैंड माफिया हूँ और मैंने ही वो सब कुछ आदिवासियों के साथ किया था, मैंने ही जंगल को रिजॉर्ट बनाने के लिए कहा था और अपना सारा कच्चा चिट्ठा पुलिस वालों के सामने रख दिया और फिर सब कुछ शांत हो गया और आलमबी की आत्मा ने भी फिर हमेशा के लिए एडम के शरीर को छोड़ दिया, क्योंकि उसका बदला अब पूरा हो चुका था, अब सब कुछ ठीक हो गया। पर एडम को इससे एक बहुत बड़ी सीख मिली और अपने फादर के किए पर उसे बहुत पछतावा भी था। पर एडम ने बेमनी गांव में जाकर सबकी देखभाल करना शुरू कर दिया और अब वो बेमनी गांव में हर साल जाता है, वहाँ पर नए पेड़ लगाता है और जंगल में रहने वाले आदिवासियों का भी ख्याल रखता है। हमें भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पर ये कहानी कहीं न कहीं बहुत ही ज्यादा खौफ से भी भरी है। इसीलिए कहते हैं कि पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता जरूर है। वो आदिवासी प्रेत की आत्मा उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका न्याय चाहती थी। इसीलिए कई सारी प्रेत आत्माएं ऐसी भी होती है जो सिर्फ इसीलिए भटक रही है क्योंकि उन्हें न्याय चाहिए, और जैसे ही उन्हें न्याय मिल जाता है उनकी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मैंने बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए लिखी है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी अजीब कहानियां मैं आपके लिए ऐसे ही लिखती रहा करूंगी। इस पॉडकास्ट को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट और प्यार देना और मुझे बताना कि आपको कौन से टॉपिक पर स्टोरी सुनना पसंद है। इस आदिवासी टॉपिक पर कहानी लिखने का आइडिया मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने ही दिया था। मेरी इंस्टा आईडी पर आप मुझे स्टोरी भेजना चाहते हैं तो वहाँ भी जरूर भेजिएगा और मेरी इंस्टा आईडी को भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप मुझे कोई स्टोरी भेजते हैं तो मैं आपके नाम के साथ अगले पॉडकास्ट में आपकी ही स्टोरी सुनाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि इस आदिवासी की स्टोरी की तरह ही मैं और भी डिफरेंट टॉपिक्स पर स्टोरीज लिखूं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से ऐसे ही किसी डरावने भूतिया और रहस्यमय
पॉडकास्ट के साथ।